अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं जी। थैंक यू सो मच कमेंट करने का, बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने कमेंट किया कि आपसे जो पूछते हैं वो आप जवाब नहीं देती, तो जी आपने मेरे से क्या पूछा जो मैंने आपको जवाब नहीं दिया, तो प्लीज़ आप दोबारा मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं अगर जवाब दे सकती हुई तो दे दूँगी, ना दे सकती तो फिर नहीं दूँगी। ऐसा मैं झूठा वादा नहीं करती। जिस चीज़ का मुझे पता होगा किस चीज़ के लिए आप पूछ रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर। तो बाकी जी जो देख रहे हैं कि बता रहे हैं जी उम्र का लिहाज करे, तो जी हाँ जी है, शैतान ने तो इन्हें दे ते ना, इन्होंने मरना ना इन्हों की ऑडियंस ने मरना, ना इन्होंने इन्हों के बड़ियां मौत आनी, ना इन्हों के छोटियां मौत आनी। छोटे छोटे बच्चों मंगने वास्ते लगा दिता और अपनी औरतों को मांगने के लिए जो बिठाया हुआ है, और खुद साइड पर बैठ के ये हमारे जो जट साहब चौधरी साहब खुद पढ़ते हैं कमेंट और बता रहे होते कौन है कौन है। कितनी बेशर्मी बेगैरती से चुमियाँ दे दे के दिखा रही है और बुला रही है, तो भाई कहने से ये इनके भाई तो नहीं बन जाते टिकटॉक पे जो आके इनको पैसे दे रहे हैं इनके भाई। मंजी थोड़ी सवेर शामी नीवी करके डाया करो, किनारे दे ना डाया करो, स्टैंड नहीं आता, कड्ढे दे तो ब्याह होता, इतने डाया करो जिते मैं हो रहा मलिक वेलकम शहजादा ब्रांड। मलिक कैसे हो शहजादे, इतने दिनों के बाद आए हो मलिक। मलिक अल्लाह पाक आपको हज कराए मेरे वीर, अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे, मेरा सोना प्राप्त नहीं कर दे जी, कोई प्ले नहीं कर रहा, गंदी हो बैठी है, मेरा सोना भी प्लीज प्ले करो, गंदी हो बैठी है। मलिक भाई मेरा सोना वीर अल्लाह तेनों हज करावे, बिगला मेरा सोना प्राप्ति कर दे, सदके जावा अपने वीरे तो, अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे, अल्लाह तेनों मदीने की ज़ारत करावे शहजादिया वीरा, प्लीज प्ले या पे पार नहीं बिगला, बिग रिस्पेक्ट मेरा बब्बर शेर भरा, ओए ओए सदके जावा अपने भरा तो, सदके जावा अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे शहजादिया, हजार करने मेरा सोना वीर, अल्लाह तेनों अर्शां दे भाग लावे शहजादिया, सैल्यूट हो गया मेरे भरा नूं। तो जी देख लिया आपने, ख़ानदानी औरतें, बहुत अमीर औरतें, फिर सुबह इस तरीके से पैसा कमा के, फिर हाँ जी इन्ने दासी सोलर सोलर सिस्टम लगवाया, तो इन्ने दासी इदा किता, हाँ ये खानदानी लोग हैं, इन्होंने मरना भी नहीं है, तो वो तो पता है, हमें पता है वो कितने का लग रहा है। वो पाशा मुझे खुद बता रहा था कि मामा जो सबसे सस्ता है वो तो एक ईंट उसके ऊपर आके गिरे तो वो चकना चूर हो जाए। और वो मुझे ये भी बता रहा था कि ना पहले छत को अर्थ करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आसमानी बिजली गिरे तो आपकी छत को या वहाँ नुकसान ना हो, जिस जगह पे वो प्लेटें रखी जाती हैं, ज़ाहिर है वो भी तो बिजली पैदा कर रही है ना, सूरज की शुआएँ खींच के, तो हर चीज़ का ज़ाहिर है। ये तो हमने कहा ही नहीं है कि इतना पैसा नहीं लगा, जहाँ वो आया नसरुल्ला वीर और वो फिर विज़िट करने के असलम वीर के घर और बता रहा है जी, जाके उनसे पूछ रहा है कितना पैसा लगा, तो वो भी वही भाई तो अली वीर का ना, वो भी वही शोकियाँ मार रहा है कि इदा इस तरह होया इस तरह होया, तो जी 3 घंटे असी एसी चलाते सा तो सानू इन्ना बिल आया, तो जे रज के चलाओ तो 60-70 हज़ार है। वो किसको नहीं पता, हर बंदे को पता है, मतलब सब ने एसी लगवाए हुए लेकिन चला नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक बार का खर्चा है ना, बंदा जिस तरह भी वो कर लेता है, लेकिन जो हर महीने बिल देना वो तो मुश्किल है ना। तो तरीका ये क्या तरीका, और छोटी बच्ची को भी लगा दिया हुआ, सब ने अपनी बच्चियों को बिठा दिया उधर, लेकिन ये आसिया और ये जो जावेद जिस तरह खुल के आए हैं ना अपनी बेटी को साथ बिठा के, तो दूसरे फिर भी कहीं साइड पर रख के, क्योंकि ये उससे कमेंट पढ़वाते हैं, उससे मिनते तरले करवाते हैं। और आज आज फिर इनकी वालदा साहबा ने थंबनेल वही बेटियों के लगाए हुए थे, और बीच में ये अपने घर की वीडियो, और वो जो फिर बाद में हिबा को पकड़ा दी जाती है, और वो हिबा फिर जो मोबाइल के साथ करती है कभी लेके उधर कभी उधर। मेरी अम्मी जान का जी चैनल, इसको देखें, विज़िट करें हमारे चैनल, हमारी वीडियो को ये करें वो करें,
तो वही बच्चे, वही बड़े, वही सारे, वही एक आलू की चिप्स बनाना, वही एक घर की हंडिया बनाना, और वही तो कल वाली वीडियो में गए ये शॉपिंग करने, और कहाँ कहाँ गए, तो जो है ना महविश ने थंबनेल लगाया हुआ था बच्ची जहाँ उसको ड्रिप लगवाई हुई है माँ बाप के घर, तो वो चारपाई पे बैठ के ड्रिप लगवा लिया, तो आज फिर पे ही अनाया फातिमा को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, तो वो थंबनेल लगा के अंदर एसी खरीदे जा रहे हैं और एसी लगाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अता फरमाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी से जेलस नहीं होता, हर इंसान अपने नसीब का खाता और लेता, लेकिन ये झूठ बोलें, ये जुआ खेलें, ये उधर आपने देखा वो जो मुनव्वर वीर की बीवी को किस तरह नींद आ रही है, वो पागल हुई पड़ी है नींद के लिए, लेकिन वो जाग रही है क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं शर्तें लग गई हैं, किन्ने ज्यादा कमाना है। बात नहीं करना कि वाकई इनके घर बच्चा होगा, बच्चे इनके घर प्लेट्स हुई है जो जब पैदा होते हैं छत पे फिट हो गए जी। वो मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है, सिस्टर समीना अनवर, थैंक यू सो मच जी। बबर शेरनिया जो हमारी बहुत प्यारी प्यारी बहने हैं, जिनमें बेटियाँ भी हैं, बहने भी हैं, जिनमें सिस्टर आ जाती हैं, समीना अनवर आ जाती हैं, अब्दुल मतीन आ जाती हैं, फिर आ जाती हैं हमारी डॉक्टर शाहना, और बहुत सारी हैं जिनका मैं नाम ना ले सकूँ, सॉरी जी, क्योंकि परी की मामा ज़्यादा कमेंट पड़ती, उन्हें नाम का पता होता है, तो मुझे पता है कुछ ऐसे कमेंट हैं जो हमारी अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के प्यारे महबूब हक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो हमारी चैनल की बहुत बड़ी सपोर्ट हैं और वो सच सुनना पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर वो हमारे जो सपोर्ट बनते हैं और जो इधर आके फिर कमेंट भी करते बताते हैं। और उन्होंने सही कहा कि इनके घर बेबी होने वाला था और वो देख ले डेढ़ महीने के बाद ही हो गया, और वो सही है, वो छत पे लग गया प्लेट्स की सूरत में, तो जब ऐसी जब ऐसा करेंगे, होने वाला हो तो फिर इतनी जल्दी तो हाँ जी, तो रियल में बेबी होता तो वो 9 मंथ लगते, 9 के भी पहले बेबी के तो 10 मंथ बन जाते, 9.5-10 वो ले जाते हैं कि नहीं पहला बेबी है तो इसको एक तरीके के साथ के ऑपरेशन ना ही हो, नॉर्मल तरीके से हो जाए, लेकिन ये जी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। आप भी माएँ बन चुकी हैं, आपको भी पता है, कोई नानियाँ, कोई दादियाँ, कोई माएँ, कोई फूफियाँ, कोई खाला, सबको पता है कि क्या तरीकाकार होता है, तो यहाँ बैठ के रोने वाली शक्ल बनाई जाती है और बाद में अंदर वही ड्रामेबाजियाँ, झूठी फेक, वही हंसी मजाक, और पूरा ख़ानदान आया है तो वही एक डेढ़ मग्गा चावलों का बना, तो वो कमेंट कर रहे थे यहाँ ये आसिया अपनी बहन के घर की है तो कितना गंदा घर उसका। हाँ जी, तो कह रहे थे उसका भी आसिया की तरह इतना गंदा घर, और इतनी डस्ट पड़ी हुई थी, आसिया को भी फिरने का शौक है, उसकी बहन भी अपना घर साफ सुथरा रखता है। हाँ जी, तो वो देखा ना महविश की अम्मी का घर कितना साफ सुथरा होता है, हालांकि उन्हें घुटनों की तकलीफ है, फिर भी वो अपने घर को लगी रहती हैं हर वक्त, जो भी है इधर भी ये भी देख लें, जो आजकल नसरुल्ला वीर भी बेचारा रोज़ ही फर्श धो रहा है, बता रहा था जी मैं धोना था लेकिन मैंने धोया नहीं, रोज़ ही आंधी आ जाती है 1-2 बार दिन में आंधी, तो बिल्कुल ये दिन ही ऐसे हैं, ये मूनसून बारिशों के दिन है, बस अल्लाह पाक जो है रहमत की बारिश जो है बरसे और इसमें किसी का नुकसान ना हो, अल्लाह पाक बस अपनी रहमत बरकत के सदक़े और अपनी जो है मुकम्मल हस्ती के सदक़े अल्लाह पाक हमारी कमियाँ दूर फरमाए, और ये है कि रहमतों की बारिश बरसे, और जो बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं या किसी चीज़ के लिए अल्लाह ताला उन सब की जो कमियां दूर फरमाए, बस क्या करें, हर इंसान यहाँ आया है दुनिया में, किसी को कोई है मसला तो कोई, किसी को कोई मसला है तो बस अपने दिन हर बंदा पूरे करके चला जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ ना मुझे उन पे हैरानगी नहीं होती जो इधर आके ना हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं इधर कोई नहीं गिरेगा। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा फिक्रा सुनाऊँ, मेरा दिल कर रहा था तो मुझे याद भी आ गया। रुक लेती है आपकी निस्बत, तिर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, आप कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, आप कोई क्या हमें गिराएगा,
हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये कर्म है हुजूर का हम पर। आने वाले अजाब टलते हैं। तो रब का शुक्र, सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिन जिन को पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्या हमें नहीं पता टिकटॉक की लाइव चलती? क्या हमें नहीं पता हम यहाँ बैठ के जुआ खेल सकते हैं? क्या हमें नहीं पता हम अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं? जी पता है, लेकिन अल्लाह पाक हमें ईमान की सलामती पे रखे। कोई बात नहीं, ये दुनिया फ़ानी है, फना हो जाना, अल्लाह बाकी दुनिया फ़ानी। जी बिल्कुल, रिस्क हलाल कमाने और खाने की रब हमें तौफीक अता फरमाए, कोई बात नहीं। गोश्त ना सही, दाल सही, दाल ना सही, चटनी सही, फिर क्या हुआ? हमारे अल्लाह पाक के रज़ा के बाद हमारे वालदैन ने हमारी बड़ी अच्छी तरबियत की और हमने अपनी औलाद की कि कोई बात नहीं, दाल भी खा लें, चटनी भी खा लें, लेकिन इज्जत के साथ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।